पिता परमेश्वर मुँह सते बुलांद। यूसुफ का मुरना का बाद वे का सब रिश्तेदार मिस्र देश में ही रोन लगिन। उ और वे का वंशज बहुत सालों बाद तक मिस्र देश में ही रहनी और ऊ की बहुत संतान पैदा वेन और वो इजरायली कहलेन। बहुत सालों का बाद इजरायलियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई छे और मिस्री लोग अब इन बातों को आभारी निछा कि ऊ की मदद करने को यूसुफ अल बहुत कुछ कर छो। वो इजरायलियों बेटी डर गिन किले की उ संख्या में ऊ बेटी भी बहुत ज्यादा छा। इले वे भगत मिस्र पर शासन कन वालो फिरौनल इजरायलियों ते मिस्रियों को नौकर बनाए दिन। मिस्रियों ल इजरायलियों ते बहुत सी इमारतों और एक तक की बहुत सी नगरों ते बनाने को मजबूर कैरी। ऊल बहुत मेहनत कैरी पर फिर भी वेल ऊँ ते बहुत दुख दिन। पर पिता परमेश्वर ऊँ ते आशीष दिन और ऊँ की और भी ज्यादा संतान पैदा वेन। फिरौनल देखी कि इजरायलियों का बहुत सी संतान पैदा होनी छन। इले वे लपड़ा लुकुते इजरायलियों का सभी नौनों ते नीलगाड़ में फेंकी के मार देने की आज्ञा दीन। एक खास इजरायली जननल एक नौनते जन्म दीन। वीला और वी का जवेल जतक वे सकुच हो वे नौनते छुपा के रख। जब नौना का वे बाब वे ते और नहीं छुपा सकिन तो ऊल वे ते मरण से बचाणु को एक तैरण वाल ठुपरी में नीलगाड़ का छाला पर निंगला का बीच में छोड़ दीन। वी की बड़ी बहन युद्धखणु को वे की निगरानी कन लगे कि वे दगड़ी क्या होल। फिरौन की नौनिल वी ठुपरी ते देख के वे का भीतर झांकी ते एक बच्चा ते देखी तो वील वे ते अपना नौना का रूप में ले लीन। वील एक इजरायली जनन ते वे ते दूध पिलाणु को काम पर रख दीन बगैर जण्या कि ऊ वे ही नौने की वेच। जब नौनो इतक बड़ वे गे कि अब वे थे अपनी वे को दूध पीने की जरूरत नहीं छे तो वे थे फिरौन की नौनिमा वापस भेज दीन और वे कुनो मूसा छो। एक दिन जब मूसा बड़ वे गे छो तो वेल देखी कि एक मिस्री एक इजरायली ते पिटुनो छो। मूसल अपना दगड़िया इजरायली ते बचाने की कोशिश कर। जब मूसल सोची कि वे थे कोई नहीं देखलो तो मूसल वे मिस्री ते मार दीन और वे की लाश ते खड़े दीन। पर मूसल जो कैर छो वे थे कैल नहीं देख छो। और जब फिरौन ते पता चल गई कि मूसल क्या कैरी वेल मूसा ते मार डलने की कोशिश कर। पर मूसा जंगल बटी भाग गए। फिरौन का सिपाही वे थे जंगल में खुजे नहीं सकिन। उ मिस्री बटी दूर जंगल में एक चरवाह बन गए छो। वेल वख एक जनन बटी ब्यो कैर के दुई नौनों ते पैदा कर। मूसा अपना ससुर का डिबरों का झुंड की रखवाली कर दु छो। एक दिन वेल जगत झिबलाण ते देखी जो भस्म हुया बगैर जगणी छे। वी ते देखणु को ऊवी झिबलाण का समिण गई। जब ऊवी का और नजीक गए तो पिता परमेश्वरल वे दगड़ बात कैरी। परमेश्वरल बोली हे मूसा अपना जुतू ते उतार दे तू एक पवित्र जगह पर खड़ छे। पिता परमेश्वरल बोली मी लफड़ा लुखू का दुखों ते देखी मितुए ते फिरौन में भेजलू कि तू इजरायलियों ते मिस्र देश की गुलामी बटी निकाल के लो। मी ऊँ ते कनान देश दियोलू उ देश जय को मिल अब्राम इसाक और याकूब बटी वादा कर। मूसल पूछी जो लुखुल जनन चाहे कि मी ते कैल भेजी तिमी क्या बोल। पिता परमेश्वरल बोली मी जू छो सी छो। वेल बोली मी छौल मी ते त्वे मा भेज। ऊँ बेटी यू भी बोल मी तुम्हारा पुराणो अब्राम इसाक और याकूब को परमेश्वर यहोवा छो। मेरु यू नौ हमेशा कुछ। मूसा डर दु छो और फिरौन मा जान निचान छो किले की वेल सोची कि वो अच्छा ढंग से निबोल सकुल। इले पिता परमेश्वर मूसा का भय हारून ते वे की मदद कनु को भेज। निर्गमन अध्याय 1 से 4 बटी बाइबल की एक कथा।